कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर अजय राय की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ी होती तो प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हार जाते, ऐसा उनका दावा है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को प्रियंका गांधी वाड्रा की जीत का इतना ही भरोसा था तो फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश में उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया? किसने रोका था कांग्रेस पार्टी को कि वो प्रियंका गांधी वाड्रा को वाराणसी से चुनाव न लड़ाएं? लड़ा देते और जिता लेते, लेकिन जब चुनाव लड़ी ही नहीं उसके बाद ये दावा बेकार की बात है। और अब भी प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली की जगह वायनाड से उपचुनाव क्यों लड़ रही है? वो अमेठी से भी लड़ सकती थी, रायबरेली से भी लड़ सकती थी, लेकिन पार्टी उन्हें भेज रही है वायनाड। क्या यह बात सच नहीं है कि रायबरेली की तुलना में वायनाड सीट पर काफी कम जोखिम है और इसीलिए वायनाड सीट को प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए चुना गया है? देश में आज तक सिर्फ एक ही नेता ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए लोकसभा का चुनाव हारा है और वो नेता थी इंदिरा गांधी। और खुद राहुल गांधी भी पिछली बार अमेठी सीट से 55,000 वोटों से चुनाव हार चुके हैं। हालांकि इस बार रायबरेली और वायनाड में राहुल गांधी की जीत का अंतर 3.5 लाख वोटों से ज्यादा का रहा है और राहुल गांधी इसी बात से बहुत उत्साहित हैं और खुश हैं कि रायबरेली में उन्हें 3.5 लाख वोटों से जीत मिल गई। और आखिरी पॉइंट यह है कि इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत करनी होगी और हो सकता है कि इस मेहनत का केंद्र लखनऊ न होकर वाराणसी हो जाए। अब आज की जो बड़ी खास बातें हैं, पहली खास बात तो हमने आपको यह बताई कि चुनाव समाप्त होने के बाद और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज पहली बार वाराणसी गए, वाराणसी के लोगों से उन्होंने बात की और उन्हें संबोधित किया और वहां से कुछ योजनाओं को उन्होंने वहां से ऐलान किया। लेकिन एक और खास बात है, खास बात यह है, दूसरी खास बात, विपक्षी दलों ने इस बार प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मतभेद पैदा करने की बड़ी कोशिशें की चुनाव प्रचार के दौरान। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी आजकल जमकर तारीफ कर रही है, पहले भी तारीफ कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ विपक्षी दलों की इस रणनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। और आज जब काशी में दोनों नेता मंच पर काफी देर तक एक साथ थे तब उनके बीच वही उपयोगी केमिस्ट्री लोगों ने देखी जो पहले भी देखी गई थी। बहुत सारे लोग ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि अब चुनाव जब बीजेपी का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा उत्तर प्रदेश में तो मोदी और योगी की केमिस्ट्री में एक दरार आ गई है, अब पहले जैसी बात नहीं रही है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी उनसे नाराज है। लेकिन आज आपको इन तस्वीरों के बाद पता चलेगा कि दोनों के बीच कैसा रिश्ता है, देखिए। प्रभवादिषष्टि संवत्सराणाम मध्ये में आजादी के बाद पहली बार देश की राजनीति के एजेंडे का हिस्सा बना था। सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक जो अन्य अनेक योजनाएं इस दौरान किसानों के जीवन में परिवर्तन करके उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए आज उसके परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं। और इस अवसर पर जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ आदरणीय मोदी जी ने ली तो उन्होंने सबसे पहला कार्य और सबसे पहले किसी एक फाइल पर हस्ताक्षर किया तो वह था पुनः अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित। तो मैं आपको जो बता रहा था, पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में आज पहली बार वाराणसी गए हैं। दूसरा, आज नतीजे चुनाव के आने के बाद से योगी और मोदी पहली बार एक सार्वजनिक मंच पर इतनी देर तक देखे गए हैं। और चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दलों ने कहा था कि चुनाव के नतीजे आने के बाद अगर बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। और चुनाव प्रचार में आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही, विपक्षी दलों ने भी ये बात कही और उससे ऐसा एक इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश की गई कि योगी और मोदी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसलिए आज पहली बार ये दोनों नेता इतनी देर तक
जनता के सामने, कैमरों के सामने, सार्वजनिक मंच पर दिखाई दिए और लोगों ने देखा कि दोनों के बीच वैसे ही रिश्ते हैं जैसे चुनावों से पहले के रिश्ते थे। कम से कम अभी आंख से जो नजर आ रहा है वो तो यही है, अब किसी के दिल में झांक कर कोई देख नहीं सकता। लेकिन अगर आंखों से देखें, कैमरे के लेंस से देखें, तो आप देख सकते हैं कि क्या केमिस्ट्री है और क्या रिश्ते हैं। एक और तीसरी खास बात आज ये कि प्रधानमंत्री मोदी आज अपने साथ देश के नए कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी अपने साथ लेकर गए, क्योंकि आज उन्हें किसानों के लिए ये योजना, उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना था, तो उन्हें लगा कि आज कृषि मंत्री को भी उनके साथ होना चाहिए। इसलिए आज एक और नई जोड़ी देश को देखने को मिली है और यह नई जोड़ी है योगी और शिवराज सिंह चौहान की। तो आज डबल इंजन नहीं, आपको ट्रिपल इंजन देखने को मिल रहा है, योगी, शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री मोदी, ये तीनों इंजन आज सार्वजनिक मंच पर मौजूद थे। तो क्या यह बीजेपी की राजनीति का नया युग है? क्या अब आपको इस तरह की और जोड़ियां बीजेपी में, सरकार में ज्यादा देखने को मिलेंगी? बड़ा सवाल यह है और हो सकता है यह सही भी हो। अब आप यह देखिए कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार वायनाड से उपचुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंच गई तो गांधी परिवार भारत की राजनीति का इकलौता ऐसा राजनीतिक खानदान बन जाएगा जिसके परिवार का हर सदस्य शुरुआत से लेकर आज तक लोकसभा का सांसद बना है। पहला चुनाव जब देश में हुआ था 1951 और 52 से लेकर आज 2024 के बीच, भारत के 73 वर्षों के लोकतांत्रिक इतिहास में, चुनावी इतिहास में, गांधी परिवार के 10 सदस्य लोकसभा के मेंबर रहे हैं। इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार संसद सदस्य रहे, उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित 3 बार, उनकी बेटी इंदिरा गांधी 4 बार, इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी 2 बार, फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी 1 बार, संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी 8 बार, मेनका गांधी के सुपुत्र वरुण गांधी 3 बार, राजीव गांधी 4 बार, उनकी पत्नी सोनिया गांधी 5 बार, सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी 5 बार, और अब सोनिया गांधी की सुपुत्री और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी 52 वर्ष की उम्र में वायनाड से उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच सकती हैं। और इस तरह गांधी परिवार भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक खानदान बन जाता है, जहां पीढ़ी दर पीढ़ी, हर पीढ़ी के बाद लगातार एक के बाद एक सभी लोग चुनाव भी लड़ते चले गए और संसद में भी पहुंचते चले गए। और इस प्रकार से यह भारत का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना राजनीतिक खानदान है और समय के हिसाब से भी सबसे बड़ा राजनीतिक खानदान है और सदस्यों के हिसाब से भी सबसे बड़ा राजनीतिक खानदान है, जहां पर एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी, वो लगातार कांग्रेस पार्टी की कमान को भी संभालते हैं और पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़ते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश में चुनाव 2 चरणों में होते हैं। पहले चरण में नेता जनता के चरणों में होते हैं क्योंकि उन्हें वोट चाहिए, और दूसरे चरण में जनता नेता के चरणों में होती है जब वोट मिल चुका होता है। और इस बात को आप आज इन तस्वीरों से समझ सकते हैं जो महाराष्ट्र से आई है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले की हैं, जिनमें इन तस्वीरों में वो कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता से अपने पैरों में लगी कीचड़ को साफ करवा रहे हैं और वहां मौजूद लोगों को इस पर बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं थी। जरा देखिए ध्यान से। ये तस्वीरें हमारे देश के लोकतंत्र को कमजोर करती हैं, ये तस्वीरें हमारे देश के नेताओं और उनके वोटर के रिश्ते को कमजोर करती हैं। और इसमें होना क्या चाहिए था? नाना पटोले को अपने पैर अपने हाथों से खुद धोने चाहिए थे, होना यह चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसी और व्यक्ति से अपने पैर साफ करवाए, अपने पैर धुलवाए, कैमरे सामने आजकल चल रहे थे। आजकल की अच्छी बात जानते हैं क्या है, पहले भी ये सब होता था,
लेकिन अब क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल फोन है, सबके पास सबकी जेब में एक कैमरा है, और जैसे ही कुछ होता है तुरंत उसका एक वीडियो बन जाता है, उसकी रील बन जाती है, और ये फिर जो तस्वीरें होती हैं ये पूरे देश में इनका प्रचार होता है। तो आज ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाली तस्वीरें हैं। हमारे देश में बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी खुद ये कहते हैं कि मैं तो जनता का सेवक हूं, और असल में एक भारत जैसे लोकतंत्र में नेता जो है वो जनता के सेवक होते हैं। जनता उन्हें मौका देती है, जनता खुद झोंपड़े में रहती है, लेकिन अपने सेवक को स्विमिंग पूल वाले बंगले में अपना वोट देकर बैठा देती है। फिर वो स्विमिंग पूल वाले बंगले में रहने वाला नेता जो चुनाव से पहले हमारे देश की जनता के पैर छूता है और कहता है कि मुझे याद रखिएगा, मुझे ही वोट दीजिएगा, वोट मिलने के बाद फिर वो उसी जनता से कहता है कि मेरे पैर साफ करो, और फिर वो जनता अगले 5 साल तक उस नेता के पैर छूती है, वो उसके चरणों में पड़ी रहती है। हमारे लोकतंत्र की सबसे खराब बात और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, और इसे नेता तो ठीक कभी नहीं करेंगे, इसे ठीक कर सकती है हमारे देश की जनता, हमारे देश के वोटर। इसलिए जब भी आप ऐसी तस्वीरों को देखें अपनी डायरी में नोट करके हमेशा आपको यह रख लेनी चाहिए, और चुनाव से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कभी भी इस तरह के व्यवहार को और इस तरह की तस्वीरों को आप भूलिए नहीं, इन्हें हमेशा अपने दिल में और अपने दिमाग में याद करके रखिए, इन्हें लिख कर रख लीजिए ताकि आप इन्हें भूल ना पाएं, और उसके बाद चाहे कोई जाति आपके सामने आ जाए, चाहे कोई धर्म आ जाए, चाहे कोई सोशल इंजीनियरिंग आ जाए, चाहे कोई नेता, चाहे वो आपकी जाति का हो या किसी और जाति का हो, आप तब भी इन तस्वीरों को भूलें नहीं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये आपके सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं।